दोस्तों ये रहा कटर का टुकड़ा, मैंने यहाँ थोड़ा ज़्यादा लगा दिया, अभी मैं इसको उतार देता हूँ। ये हो गया, इतनी सी भी मिट्टी वेस्ट नहीं जाने देनी है, क्योंकि ये मेरे देश की धरती है, सोना उगले उगले हीरे मोती। आपने गाना सुना ही होगा, मिट्टी से ही सोना उगलता है, मिट्टी से ही हीरे मोती निकलते हैं, हमारे लिए ये सोना ही है। और आखिर इंसान को भी मिट्टी में ही मिल जाना है, तो हम भी मिट्टी से मिले हुए हैं। तो ये हो गया हमारा बॉर्डर लाइन का आखिरी लाइन कंप्लीट हो चुका है। फिनिशिंग अच्छे से करना है आपको, चाहे समय लगे तो लगाइए, क्योंकि बिना समय के तो कुछ नहीं होता है, समय लगाना ही पड़ता है, मेहनत करनी ही पड़ती है। हमने भी मेहनत की है, मैं करीब इस लाइन में प्रोफेशनल तरीके से 25 साल से हूँ, और मेरा घर का पूरा परिवार ये काम करता है, मेरी धर्मपत्नी है वो भी यही काम करती है, मिट्टी का ज़्यादातर काम वो करती है, आपको दिखाने के लिए मुझे करना पड़ता है। तो अगर समय मिला तो मैं उनको भी साथ में लाऊंगा और उसको भी बिठाऊंगा, आपको काम करते हुए दिखाऊंगा कि वो कैसे काम करते हैं। और अभी करते हैं ये वाली लाइन, इसको तोड़नी नहीं है और बचानी है, साथ में इसको करते जाएंगे, ठीक है। तो हम ये बना रहे हैं दूसरी वाली लाइन। लाइन बेचते समय ये ध्यान रखना है, एक ही एमएम की, एक ही साइज की लाइन बननी चाहिए, अलग अलग जाड़ी तगड़ी मोटी ऐसी नहीं बेच देनी है, साइज के हिसाब से ऐसे ऐसे करोगे आप, बेलने में थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, आपका हाथ बैठ जाएगा, हाथ बैठ जाएगा तो आप अच्छी तरह से वर्क कर पाओगे। तो ये रही हमारी लाइन और ये रहा हमारा बोर्ड, हमको यहाँ पर वर्क करना है, यहाँ से यहाँ वर्क करना है। तो ये लाइन हमें चिपकानी यहाँ, दोनों लाइन ताज़ा है, फिर भी मैं काम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अनुभव है। आपको अगर अनुभव नहीं है, आप पहली बार कर रहे हैं, तो इसको सूख जाने दीजिए, उसके बाद ही काम कीजिए, अच्छा रहेगा। आप देख सकते हैं, मैंने जो जितनी भी लाइन बनाई है वो एक ही जैसी है, एक ही साइज की है। ये देखो मैंने चिपका दी, अभी ये थोड़ी इस तरफ गई है, तो इसको इस तरफ हटा देंगे। दोनों की सरफेस लाइन एक जैसी होनी चाहिए, बाद में टेढ़ा मेढ़ा दिखता है तो अच्छा नहीं दिखेगा। ऐसे दबा देनी है, सारी लाइनें ऐसे दबा कर ही करनी है, कहीं जगह पे कोई, आप देख सकते हैं कहीं जगह पे कोई भी स्क्रैच नहीं है, कोई भी टूटी फूटी लाइन नहीं है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ काम करना है। शायद मेरी आवाज़ आपको कम सुनाई देती हो, क्योंकि मैं कैमरे से थोड़ा दूर हूँ, मेरे पास एक्स्ट्रा माइक नहीं है, बाद में आपके लिए खरीद लूँगा, कोई बात नहीं, अभी कंटिन्यू कर दीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने जो लाइन करी है वो थोड़ी पतली है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर क्या करना है। ये जो लाइन हमने बेली थी उसमें से थोड़ा पार्ट लेना है, थोड़ा पतला पतला ऐसे बोल बेलना है ऐसे, ठीक है। अब जितनी ज़रूरत है यहाँ पर उतनी यहाँ पर काट कर इसको यहाँ पर बिठा देना है ऐसे, ठीक है, और थोड़ी चाहिए ऐसे, ये हो गई, क्योंकि ये लाइन इसके साथ जुड़ी हुई रहनी चाहिए, अलग नहीं दिखनी चाहिए। थोड़ा फेविकोल लेना है, इसके ऊपर रखना है, बाद में इसको दबा देना है ऐसे ऐसे, यहाँ से ऐसे करके ऊपर हाथ लेना है ऐसे ऐसे, प्लेन
प्लेन उड़ता है ना रनवे पर, ऐसे करके ऐसे, तो यहाँ पर ये लाइन टूटेगी नहीं। बाद में इसको अगर कोई दिक्कत होती है तो इसको ऐसे कर लीजिए, हाथ थोड़ा अपनी उंगली से, उंगली से थोड़ा फिनिशिंग करते जाइए। बहुत शार्प लाइन नहीं होनी चाहिए, शार्प लाइन ऐसे करते हैं तो यहाँ पर शार्प हो जाती है, बाद में यहाँ पर आप आउटलाइन नहीं कर पाओगे, वाइट आउटलाइन नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर कलर टिकेगा नहीं, इस तरफ हो जाएगा या इस तरफ हो जाएगा। तो इसको थोड़ा दबाना, तो ये हो गई हमारी बीच की लाइन। अब सामने वाली लाइन करेंगे, ये कॉर्नर बाद में करेंगे। लाइन बेलते समय अपने हाथ का पूरा पूरा कंट्रोल रखें, एकदम सीधी एक जैसी लाइन बनाते रहें, उससे वर्क में बहुत फर्क पड़ता है। ये लाइन लगानी है, ये हमने लगा दी है। यहाँ पर इसको ऐसे जोड़नी है, ऐसे सटा के रखनी है ताकि बाद में गैप ना हो जाए वहां पर। यहाँ से अगर आप नहीं तोड़ पाए तो कोई भी कटर ले लीजिए, ये लाइन को बिगाड़ना नहीं है, चारों तरफ लाइन गिली हुई है, आप सूख जाए उसके बाद काम कीजिएगा, क्योंकि मुझे ये करने में आसान है, मेरे लिए आसान है, पर आपके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो सब्र कीजिए और धैर्य रखिए, धैर्य रखते काम कीजिए तो काम अच्छा होगा। तो देखा आपने, इसको भी मैंने अच्छी तरह से चिपका दिया है, आप भी ऐसे ही कीजिए। दोस्तों, आप नए हो वीडियो पर तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ऐसी हमारे पास 100 वीडियो पड़ी हुई हैं और सभी वीडियो के अपलोड होने का समय जब आएगा तब हम उसको अपलोड करेंगे और आपको दिखाते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे करनी है। ऐसे मैंने 100 डिजाइन बनाई हुई है। दोस्तों, मैं वीडियो को काट पीट नहीं करूंगा क्योंकि आपको कंटिन्यू दिखाना है, कंटिन्यू दिखाऊंगा तो ही आपको पता चलेगा, इसके लिए वीडियो लंबी हो जाएगी, लंबी हो जाए तो इसको मैं टुकड़े टुकड़े में भी आपको भेज सकता हूं। तो कंटिन्यू वॉच कीजिए, 15-15 मिनट की वीडियो बनेगी और 15 मिनट के बाद दूसरी वीडियो बनेगी, तो अगर 15 मिनट से ज़्यादा हो गई है तो मैं उसको, क्योंकि मिट्टी का काम बहुत लंबा प्रोसेस है, उसको सूखने के बाद करना पड़ता है, तो मुझे पता नहीं है कि अभी कितना वक्त हो गया है, ये पूरा मेरा आधे दिन का काम है कि मिट्टी सूखने के बाद थोड़ा काम होता है, तो मिट्टी सूखने में थोड़ा 10-15 मिनट लेती है, फिर भी ये गीली रहती है, तो मुझे भी काम करने में थोड़ा समय चाहिए और आपको मैं वीडियो कंटिन्यू बताता रहूँगा, 10 मिनट का ऐसा समय नहीं बताऊँगा कि इसके बाद 10 मिनट लगी, 10 मिनट के बाद मिलो, अब ऐसा नहीं करूँगा, मैं आपको कंटिन्यू वीडियो बताता रहूँगा, पार्ट 1 पार्ट 3 ऐसे करके बताता रहूँगा। ये हो गई हमारी अंदर वाली बॉर्डर की लाइन, आपको कंटिन्यू बताता रहूँगा ताकि आपको पता चले कि वर्क कैसे हो रहा है। अगर मैं बीच में वीडियो काट दूंगा तो आपको
पता नहीं चलेगा कि मैंने इसमें क्या किया है। आप देख सकते हैं अच्छी लाइन बन गई बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अब बनाएंगे ये वाली लाइन। आपको शायद पता नहीं चल रहा होगा कि कौन सी लाइन पहले करी थी कौन सी बाद में करी थी, तो मैं आपको बता दूं, ये लाइन हमने पहले करी थी, ये वाली पहले करी थी, ये वाली पहले करी थी, ये वाली पहले करी थी, इसके बाद ये वाली लाइन करी थी। तो हमको ये लाइन ज़्यादा सूखी हुई है, तो यहाँ से यहाँ का वर्क करना है। अब हमें इस डिज़ाइन में ये सारा मिट्टी का काम करना है, जितनी भी लाइन बनी हुई है वो सारा मिट्टी का काम करना है। पर यहाँ पर ये तीन लाइन हमें पहले करनी है। अगर ये मिट्टी थोड़ी हार्ड हो जाती है तो आपको ऐसे थोड़ा पानी लेना है, उस पर ऐसे लगाने से ये नरम हो जाती है, ऐसे लगाना है, बाद में इसको मिक्स कर देना है। ऐसा करने से ये नरम हो जाती है। आप अपने हाथ साफ कर सकते हैं, ज़्यादा देर साफ करते रहोगे तो काम कब करोगे, तो जब तक काम पूरा नहीं हो जाता थोड़ा थोड़ा ही साफ करना है, क्योंकि बाद में मिट्टी तो लगनी ही लगनी है। लाइन हमने अच्छी तरह से बिल दी है। दोस्तों मैंने बताया था कि ये भी सूखी लाइन है, ये सूखी लाइन है, अभी तो ये गीली है पर अभी थोड़ी थोड़ी सूख चुकी है, तो मैं इसमें वर्क कर सकता हूँ। आप शायद ना करें तो आप इसको इग्नोर कीजिए, सूखने दीजिए, बाद में काम कीजिए। ये मैंने दबा दी लाइन, यहाँ मुझे फेविकोल थोड़ा कम लग रहा है, ऐसे लगा देंगे। लाइन पर बने रहना है और आपको वीडियो पर बने रहना है। कंटिन्यू वॉच कीजिए, आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स बताता रहूँगा। मेरी भाषा पे मत जाइए, आपको जो सीखना है उसको देखते रहिए। मैं आपको इजीली बताऊंगा कैसे होता है मडवर्क, आप आसानी से कर पाओगे, क्योंकि इसको सिखाने में मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही है, पर आपके लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। तो इसके लिए कर दो एक लाइक भाई, और सब्सक्राइब करना भूल मत जाना। अभी ये दूसरा लाइन करेंगे, एक लाइन हमारा चिपक गया, आप देख सकते हैं ये लाइन को कोई भी नुकसान नहीं हुआ, एकदम बढ़िया है। और ये रही दूसरी लाइन, अभी देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, ये लाइन थोड़ी पतली है, ये थोड़ी मोटी है, मुझे दिखता है आपको अगर कैमरे में दिखे ना दिखे, पर उसके लिए हमें करना है इसका, ये हमारा सीक्रेट हथियार है, इसको ऐसे दबाते दबाते के ज़्यादा दबाना है, ज़्यादा दबाने से लाइन थोड़ी पतली हो जाती है और आगे की ओर खिसक जाती है। तो यहाँ हमने दबा दी लाइन, तो ये हो गई हमारी दूसरी लाइन। आप देख सकते हैं मैं एकदम सीधी लाइन कर रहा हूँ, सीधा ही जा रहा हूँ, ये थोड़ी सूख गई है इसलिए इसमें मुझे दिक्कत नहीं हो रही है। आप गीली लाइन में करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, आपको सूखने देना है। फिनिशिंग करते समय ख्याल रखना है कि ये लाइन टूट न जाए, क्योंकि टूटी लाइन को रिपेयर करने में बहुत तकलीफ होती है। तो आपको हो सकता है ऐसा ज़्यादा एक्स्ट्रा फेविकोल है उसको हटा देना है। हटाने के बाद भी आपको लाइन को अच्छी तरह से देख लेना है, क्योंकि अगर ये सूख जाती है उसके बाद आपको उसको तोड़ना पड़ेगा, बिना तोड़े आप उसको सीधा नहीं कर सकते।
और वो कैसे तोड़ते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे की वीडियो में। अगर कोई लाइन ख़राब हो जाती है उसको तोड़नी पड़ती है तो मैं उसको भी आपको आगे आने वाले वीडियो में बता दूंगा कि इसको तोड़ने के लिए क्या प्रोसेस रहता है। मिट्टी के लिए मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, आप पेंट की शॉप पे जाइए, वहाँ बताइए कि हमें चॉक पाउडर चाहिए, चॉक पाउडर लेके आना है, किलो, दो किलो, दस किलो, आपकी जैसी मर्जी, जैसी सुविधा आपकी, लेके आइए। उसमें 25% मतलब 25वां भाग, 1/4 बोलते हैं हिंदी में उसको, 1/4 मतलब 1/4 भाग, जैसे पूरा 1 चौरस हो गया तो इसमें 1, 2, 3, 4 भाग हो गए, तो 1, 2, 3 भाग हमारा हो गया मिट्टी और 4th भाग हो गया पुराना, और तीसरा मटेरियल है ये फेविकॉल। तो ये लाइन हमने लगा दी, इतना भी फेविकॉल नहीं लगाना है कि नीचे का ड्राइंग दब जाए, बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। फेविकॉल हटाते रहना है बीच में से, ज़्यादा एक्स्ट्रा फेविकॉल आप हाथ से ना हटा सके तो ऐसा कुछ कपड़ा लीजिए, कपड़े के अंदर ऐसे अपनी उंगली फंसाइए और इसको ऐसे हटा दीजिए, तो ये हट गए, ऐसे हटा सकते हैं आप। अभी मुझे ये फेविकॉल चाहिए तो मैं रखूँगा, अभी मैं दूसरा ले लेता हूँ। देखिए ये हमारी तीसरी लाइन हो गई, अब इसको सूखने देते हैं। अब हम चलते हैं ये वाली लाइन पे, अभी हमारे पास लाइन बेली हुई पड़ी है, उसको हमने फेंकनी नहीं है, कंटिन्यू लगानी है, ये यहाँ लग जाएगी। दोस्तों हमने 1 नंबर के डिज़ाइन में यहाँ पर भी पट्टियाँ आती है वो ड्रॉ नहीं की है, वो ऐसे ही रखनी है, क्योंकि यहाँ पर मैंने ड्रॉ करके दिखा दिए तो यहाँ पर भी पट्टियाँ आएंगी, वो भी आप तो देख पाएंगे कैसे बनती है। यहाँ पर लाइन पतली हो गई थी तो आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी लाइन बनाकर इसके चिपका दी, साइज सेम रहनी चाहिए, ऊपर नीचे या जाली पतली मोटी ऐसी नहीं होनी चाहिए, एक जैसी ही साइज बननी चाहिए। एक जैसी साइज बनेगी तो बोर्ड में काम आपका बहुत अच्छा दिखेगा, वर्क अच्छा दिखता है तो कस्टमर ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आप मेरी वीडियो पे आए हैं तो आपको भी मेरा फर्ज बनता है कि आपको सही तरीके से बताऊं। तो ये लाइन बन गई, अब हम करेंगे ये वाली लाइन, उसको बाद में करेंगे, पहले ये वाली लाइन करेंगे। तब तक के लिए इसको सूखने देते हैं ताकि ये हार्ड हो जाए।